नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं News 21 TV एवं पॉजिटिव। अभी हाल ही में पटला विधानसभा क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक रहे टेकचंद शर्मा ने एक बयान दिया है कि मैं फरीदाबाद लोकसभा भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में ना तो प्रचार करूंगा, ना मेरे पास कहीं कोई इस प्रकार की कोई सूचना आती है भाजपा की तरफ से। अब इस पे हम प्रतिक्रिया लेंगे। विजेंद्र नेहरा साहब हैं, पटला विधानसभा क्षेत्र की राजनीति करते हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं भाजपा के और विधायक पद के प्रबल एवं संभावित दावेदार हो सकते हैं। आपसे नेहरा साहब सवाल, पूर्व विधायक ने कुछ बयान दिए हैं, आपने सुना भी होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, टेकचंद शर्मा जी अभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। वो हमारे जो प्रदेश में नमामि यमुना करके जो हमारी एक विभाग है उसके प्रदेश के संयोजक हैं, इस नाते उनका सम्मान है। लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यहाँ से मंत्री, हमारे फरीदाबाद लोकसभा के हमारे प्रत्याशी माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के बारे में जिस तरह से कही हैं, वो बहुत ही उनका मैं खंडन भी करता हूँ, विरोध करता हूँ और इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह की चीज़ें कही हैं कि वो उनको शोभा नहीं देती। एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की चीज़ें बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के कुछ भी अनावश्यक बोल देना सुनी सुनाई बातों के विषय में, ऐसे तो बहुत सारे लोग सभी राजनेताओं के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। टेकचंद जी के बारे में भी विधानसभा के लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो उनको इस तरह की कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। और टेकचंद शर्मा जी जहां तक सूचना की बात कर रहे हैं, जब पन्ना प्रमुख सम्मेलन पटला विधानसभा क्षेत्र का हुआ था उस समय मैंने खुद टेकचंद शर्मा जी को सूचना दी थी कि जो हमने एक विधानसभा के दावेदारों की बैठक बुलाई थी उसमें टेकचंद जी सूचना देने के बावजूद भी नहीं आए थे। और जहां जहां टेकचंद शर्मा जी को सूचना देनी चाहिए वहां सब जगह हम उनको सूचना देते हैं। ज्यादातर सूचना का देने का काम मेरा रहता है, मुझे जिले की तरफ से जब कोई सूचना आती है कि भाई इन लोगों को सूचना देनी है तो मैं सूचना देता हूं। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि सूचना नहीं मिल पा रही है, कोई और विषय है, तो उनको पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर यह बात रखनी चाहिए। पार्टी के जो लोकसभा के हमारे प्रत्याशी हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह से निराधार है, गैर जरूरी है, क्योंकि जब पार्टी ने माननीय कृष्णपाल जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया तो अब उनका हमें साथ देना चाहिए। क्योंकि टेकचंद जी हमेशा वादा करते हैं कि जब वो विधायक थे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने पृथला में विकास किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से विकास किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे उस समय, उनके सहयोग से विकास किया। उस समय माननीय केंद्रीय में राज्य मंत्री थे कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके सहयोग से विकास किया, वो दिन रात कहते थे। तो अब इस तरह की बात कहना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का लोकसभा के चुनाव में विरोध करना, मुझे लगता है टेकचंद शर्मा जी कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए हैं। और जब भी कोई बात होती है, चाहे टोल टैक्स पे धरना हुआ था तो वो कांग्रेस के साथ बैठे थे, कहीं भी कोई कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है, टेकचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उसमें शामिल रहते हैं। और सच्चाई तो ये है विनोद जी कि टेकचंद शर्मा जी पृथला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की गारंटी चाहते थे और पार्टी ने उनको गारंटी नहीं दी, इसलिए वो निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। कई बड़े नेताओं ने मुझे बताया कि टेकचंद जी ने उनसे गारंटी मांगी टिकट की कि भाई मुझे पृथला से बीजेपी की टिकट की आप गारंटी दीजिए, और गारंटी तो भारतीय जनता पार्टी को दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो हमारे बड़े नेता मिलके, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति, प्रदेश की चुनाव समिति सब मिलके उस समय तय करते हैं कि कौन प्रत्याशी होगा पार्टी का, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। नेहरा साहब, उनका एक और है कि कुछ पाले हुए लोग हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं, 10 लाख पार 12 लाख पार, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, देश की जो जनता है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के लिए संकल्प ले चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार जब 2014 में माननीय कृष्णपाल जी फरीदाबाद लोकसभा से जीते थे तो देश भर के अंदर जो सबसे बड़ी 6 जीत थी उसमें हमारी लोकसभा की सीट आती थी। 2019 में जो देश भर की सबसे बड़ी 3 जीत थी उसमें टॉप 3 में हमारी जीत आती थी, 6,38,000 का मार्जिन था हमारा। इसी को ध्यान रखते हुए हमने संकल्प लिया है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 10 लाख पार का जो नारा फरीदाबाद ने दिया है और पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे जनता के आशीर्वाद से ये विश्वास है कि पहले माननीय कृष्णपाल जी को 80,000 प्लस यहां से जीत मिली थी, अब की बार 1 लाख पार हम पृथला विधानसभा क्षेत्र से करके भेजेंगे तो पूरे फरीदाबाद लोकसभा से 10 लाख पार का नारा सिद्ध होगा। जहां तक टेकचंद जी का विषय है, देखिए टेकचंद शर्मा जी बाहरी व्यक्ति हैं, वो पृथला विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव से नहीं आते हैं, वो होडल में जो गांव पड़ता है भिड़ूकी वहां के रहने वाले हैं, तो वो पृथला विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय नहीं है, वो बाहरी कैंडिडेट हैं। और जहां तक उनका इस तरह के आरोप लगाने का विषय है तो मैं मानूंगा ये पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाला विषय है, एक तरह से पार्टी से गद्दारी का विषय है। पार्टी में रहते हुए
पार्टी के प्रत्याशी का अगर आप विरोध करते हैं, तो टेकचंद शर्मा जी जब बीएसपी से चुनाव जीत के आए थे तो उन्होंने बीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा करने का काम किया, और अब इसी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि टेकचंद शर्मा जी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इनको पूरा मान सम्मान दिया, इनको 2014 में जब ये विधायक बने थे तो इनको पूरा विकास के लिए पैसा दिया, सारे काम किए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, माननीय कृष्ण पाल जी ने, और अब इसी तरह से पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ माननीय कृष्ण पाल जी के ऊपर जो इन्होंने झूठे और निराधार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा नरेश साहब, एक सवाल और है। इन्होंने कहा कि विपुल गोयल, टेकचंद शर्मा, केहर सिंह रावत और अन्य पूर्व विधायकों के नाम लिए कि इन सबके साथ गलत व्यवहार हुआ, इन सबकी अनदेखी की गई, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए टेकचंद जी जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक विपुल गोयल जी का विषय है, वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव की दावेदारी की थी माननीय कृष्ण पाल जी के सामने, और लोकतंत्र में सबको चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार है, हमारी पार्टी में ये स्वतंत्र लोकतंत्र है। और खुद कृष्ण पाल जी ने, मैंने देखा, जब तक उनको टिकट नहीं मिली थी उन्होंने खुद कहा था कि भाई पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगा। तो विपुल गोयल जी ने टिकट मांगी, पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया, फिर भी वो कृष्ण पाल जी के साथ है। और जहां तक बाकी लोगों की, केहर सिंह रावत जी हैं या अन्य नागेंद्र जी चौधरी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो टेकचंद शर्मा जी बाकी लोगों का नाम ले रहे हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस के साथ हो। अगर कांग्रेस के साथ आना है टेकचंद जी को तो खुल के कांग्रेस पार्टी के साथ में आए, तब पता चलेगा कौन मैदान में है, और जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन पता चलेगा टेकचंद जी को कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितने बड़े मार्जिन से जीत मिलती है। अब लोकसभा की आपके प्रथम विधानसभा क्षेत्र में रैली है नायब सिंह सैनी जी की, कब होगी और क्या प्रारूप होगा रैली का? देखिए 18 अप्रैल 2024 को सुबह 9 बजे गदपुरी टोल प्लाजा पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारी चली थी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का संकल्प देखा है उसको लेकर के विजय संकल्प रैली माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे जो फरीदाबाद लोकसभा से हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थन में करने के लिए आ रहे हैं। तो 18 अप्रैल 2024 को सुबह 9 बजे गदपुरी टोल प्लाजा पर प्रतला विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, इसमें प्रतला के विधायक भी हैं वर्तमान और हमारे जो टिकट के सब दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे समस्त कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी प्रतला क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता इस रैली में अपना सहयोग करेंगे, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे जो इस रैलियों के सबके लोकसभा के संयोजक हैं श्री अजय गौड़ जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार वोरा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, शिक्षा मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी इसमें कृष्णपाल जी को अपना समर्थन देने के लिए आएंगे। एक भारी रैली होगी। मेरा सब प्रथला क्षेत्र की जनता से, सब लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप 18 तारीख को सुबह 9 बजे गदपुरी टोल प्लाजा पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और कृष्णपाल जी को अपना समर्थन दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और इस रैली को भव्य और सक्सेसफुल बनाएं, जिससे कि देश में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और इस बार प्रथला क्षेत्र में भी तीसरी बार में कमल खिले। प्रथला के निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत क्या होंगे रैली में शामिल? हाँ, नैनपाल रावत जी रैली में शामिल होंगे और नैनपाल रावत जी रैली में सहयोग भी कर रहे हैं। इसमें नैनपाल रावत जी भी और हमारी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हमारे साथी हैं वो सब लोग और हमारे मंडलों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल के इस रैली को कर रहे हैं। विनोद जी, किसी एक की रैली नहीं है, ये रैली सबकी संयुक्त रैली है, सबकी एक रैली है। इसमें इसने सब लोगों को मिलकर के माननीय कृष्णपाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं।